नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्तपंत। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में नतीजे सामने आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल चुका है, लेकिन फिलहाल सरकार बनाने की कवायद भी हिमाचल में शुरू हो गई है। आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें हैं कि अभी नाराज़गी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर ही हिमाचल में, लेकिन इस बार कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हिमाचल में टूटे हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें बारी बारी से रही हैं जब से राज्य गठन हुआ है, और हिमाचल की जनता एक बार कांग्रेस को मौका देती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है। पहले मैं थोड़ा सा आपको आंकड़े बता देता हूं, उसके बाद इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार बीजेपी की रहे कांग्रेस की रहे मंत्री ज़रूर हारते हैं, एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर होती है। 2003 से लेकर 2017 तक के फटाफट मैं आंकड़े बताऊं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2003 में प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, 11 मंत्रियों में से 6 मंत्री हारे थे, 2003 की बात मैं कर रहा हूं। फिर आप आ जाइए 2007 पर, मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी से, 10 मंत्रियों में से 6 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। 2012 में आइए, प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 10 मंत्रियों में से 4 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। ये कुल मिलाकर एक तरह से थोड़ा सा राहत थी, लेकिन 2017 में वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री फिर से बने कांग्रेस पार्टी के, 11 मंत्रियों में से 5 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इनकी चर्चा क्यों हो रही है ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड टूट चुका है। कैसा रिकॉर्ड रहा इस बार, कितने मंत्री हारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार चुकी है, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल चुका है, लेकिन इस बार मंत्री हारे हैं, कितने हारे हैं। मेरे सहयोगी हेमंत मेरे साथ हैं, वो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे विस्तार से। हेमंत जी बताइए कि 2003 से लेकर 2017 तक के मैंने आंकड़े बताए, इस बार क्या रहा, क्या रिकॉर्ड टूट गया क्या मंत्रियों को हारने का? एक बड़ी दिलचस्प जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि 2003 से लेकर, जैसे कि आपने 2017 तक के आंकड़े जो हैं वो बताए दर्शकों को, कि वहां आंकड़ा 5, 4, 6 से ऊपर कभी मंत्री किसी की सरकार में हारे नहीं। वीरभद्र की सरकार रही, प्रेम कुमार धूमल की सरकार रही, 4, 5, 6 इससे ज़्यादा कभी मंत्री हारे नहीं। और किसी के मतलब सरकार में मंत्री का हारना ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, और जयराम ठाकुर की सरकार में 11 में से 9 मंत्री हारे, जिसमें एक खुद की सीट उनकी है ना, और एक और मंत्री हैं जिनकी सीट बच पाई है, यानी कि 9 मंत्री जो हैं हारे हैं, और यही एक रिकॉर्ड जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर फिलहाल बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयराम ठाकुर वही मुख्यमंत्री हैं जो इस बार 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 ये जिक्र कर रहे थे कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर वो ट्रेंड बदल देंगे 37 साल का, लेकिन रिवाज बदलने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि जयराम ठाकुर के सरकार के जो 9 मंत्री हैं वो धराशायी हो गए। और कई ऐसे मंत्रियों का मैं जिक्र अगर करूँ तो उनका जो हारने का जो फासला था वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कम मार्जिन के साथ उनको हार का मुंह देखना पड़ा है, बहुत ज़्यादा, कई 2-3 सीटों का अगर मैं जिक्र करूँ, चाहे वो अगर हम बात करें कांगड़ा के अलावा एक और सीट का, अगर नूरपुर का जिक्र कर लिया जाए, उसके अलावा कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर उनको हार का मुंह देखना पड़ा, इंडिपेंडेंट कई जो थे उनके साथ भी बीजेपी के कैंडिडेट को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये एक स्थिति बनी है और यही एक रिकॉर्ड है जिसका, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 2003, 2012, 2017 और उसके साथ साथ 2003 में अलग अलग हर बार मुख्यमंत्री बदलते हैं, हर 5 साल मुख्यमंत्री चेंज होता है। जयराम ठाकुर इस बार मुख्यमंत्री 2017 में बने थे, और उसके बाद स्थिति ऐसी नज़र आ रही थी कि इस बार यहाँ का रिवाज जो है वो बदल जाएगा, यहाँ का ट्रेंड जो है वो बदल जाएगा, लेकिन 11 मुख्यमंत्री में से 9 मुख्यमंत्री जो हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। वो अलग बात है जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे थे कि हम सिर्फ 1% से भी कम मार्जिन से मंत्री बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी देश प्रधानमंत्री सामने आते हैं और कहते हैं कि हमको जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला है। मैं चाहता हूं कि वो 9 मंत्रियों का एक बार जिक्र कर दें। सिराज से जयराम ठाकुर जो जीते हुए मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे, वो हालांकि मार्जिन बहुत अच्छा खासा उनका रहा। एक और कैंडिडेट का मैं जिक्र कर रहा था जो जीते हैं, पौंटा साहिब से हैं वो, सुखराम चौधरी हैं, ऊर्जा मंत्रालय उनके पास था, वो सिर्फ जीते। बाकी 9 और मंत्रियों की अगर मैं बात करूँ, कसुमपटी से, यानी कि शिमला के कसुमपटी सीट से, वो सुरेश भारद्वाज जो कि शहरी विकास मंत्रालय उनके पास था वो हार गए। मनाली का जिक्र करें, गोविंद सिंह जो है वो शिक्षा मंत्री रहे वो हार गए। उसके अलावा शाहपुर सरवीन चौधरी, एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा जिन पे फिर से दाव लगाया, वो हार गए, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री उनके मंत्रालय उनके पास था। लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा जो कि प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय जिनके पास था, वो भी हार गए। उसके बाद
कुटलेहड़ से वीरेंद्र कंवर हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास मिला हुआ था, इनको ये भी हार गए। और उसके अलावा भटियात से विक्रम सिंह उद्योग मंत्रालय जिनके पास था और जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी कि हम यहाँ पर निवेश भारी मात्रा में हिमाचल प्रदेश के अंदर लाने वाले हैं, उनको भी हार का सामना करना पड़ गया। कसौली स्वास्थ्य मंत्रालय कसौली सीट से राजेश सैजल के पास था, उनको भी हार का सामना करना पड़ा, जिसका ढिंढूरा पीटते हैं जयराम ठाकुर हों या फिर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री खुद सैजल साहब हों कि हमने कोरोना के काल में एक इतिहास रचा है कि यहाँ पर सबसे कम कैजुअलिटी है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि भाई मोदी मैजिक की बात बार बार उनके मंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे नेता हो सब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा चेहरा है, उन्हीं के नाम पर जनता वोट देती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी कितने चुनाव जिताएंगे? बेसिकली आपको ग्राउंड पर काम करना होगा। जिन मंत्रियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो जो विभाग उनके पास थे, क्या ये मानकर चला जाए कि उतना काम नहीं हुआ उनके विभाग में और जनता को ये बात समझ में आई? बिल्कुल, और यही वजह है कि ये रिकॉर्ड जो बना है वो अपने आप में एक तमाचा ही है। वर्तमान की जो इससे पहले 2017 में नवनिर्वाचित जो चाहे मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों ने शपथ ली थी, हालांकि वहाँ पर कुछ चीज़ें बदली थी और बदली वो चाहे टिकटॉक में फेरबदल कर दिया, जगह उनकी बदल दी गई हो, कईयों से मंत्रालय भी एंड वक्त पर छीन लिए गए थे, लेकिन ये स्थिति तो गुजरात में भी हुई थी। लेकिन गुजरात में स्थिति ऐसी क्यों नहीं बन पाई? तो ये एक बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कई ऐसे मंत्रियों का मैं जिक्र कर लूँ, चाहे वो उद्योग मंत्री की बात कर लें या फिर वन मंत्री की बात कर लें, उनके ऊपर भी कई आरोप लगे हुए हैं स्कैम को लेकर। तो कुछ ऐसे घोटालों का जिक्र भी हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी जो विरोधी पार्टी के तौर पर थी, विपक्ष की भूमिका में थी, उन्होंने उठाया उस मुद्दों को। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको कई बार बोला है कि हिमाचल की जो जनता है वो बड़ी समझदार है। कहाँ किसने लूज पोल कहाँ नज़र आ रहा है, कहाँ किसने घोटाला घपला किया है, तो बड़ी जल्दी से बारीकी से खुल जाता है। एक छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट में सारी जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ जाती हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर, स्वास्थ्य मंत्री को लेकर सवाल खड़े हुए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो पहले थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, कुछ घोटालों को लेकर स्वास्थ्य महकमे से उनका लेना देना था। तो ये एक बड़ी वजह रही जो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। कोरोना काल में आप पीठ थपथपाएं, लेकिन वही विभाग में सबसे बड़ा घोटाला हो जाए तो फिर जनता क्या सोचेगी? तो ये एक वजह है मुझे लगता है, और यही वजह है कि 9 मंत्रियों का हारना जो एक रिकॉर्ड इस वक्त हो जाएगा, और मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर के लिए भी बड़ी मुश्किल की ये घड़ी होगी कि जो जिन लोगों को वो साथ लेके चल रहे थे, वो 11 में से 9 ने साथ ही छोड़ दिया, सिर्फ 2 रह गए और सरकार भी हाथ से चली गई। ये तो बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2012 में 10 में से 4 जो मंत्री थे वो हारे थे, लेकिन अब वो तो 9 हो गए हैं। बिल्कुल आप तो इसमें मैं एक चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि अभी कई सारे ऐसे मंत्री जिन्होंने काम नहीं किया होगा, हो सकता है उसकी वजह से जनता ने उनको नकार दिया हो, लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर चुनौतियाँ बहुत होती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज़ों को मुद्दा हमेशा राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं, और चैलेंजेस भी बहुत होते हैं पहाड़ी राज्यों में, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि स्वास्थ्य की आपने व्यवस्थाएं देखी होंगी, एम्बुलेंस उतनी पहाड़ी इलाकों में नहीं पहुंच पाती है, कई कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल आकर अस्पताल पहुँचना पड़ता है, और अस्पताल तो तब पहुँचे जब अस्पताल पास में हो। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे, क्योंकि हम जब ग्राउंड पर गए तो हमने जब जनता से बात की, लोगों से बातचीत की, तो लोगों का यही कहना था कि अब फीते काटे जा रहे हैं, जब चुनाव नज़दीक आ गया तो फीते काटे जा रहे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं वन मंत्रालय जिन राकेश पठानिया को जिनको मिला हुआ था, उन्होंने अपने क्षेत्र में मातृ शिशु अस्पताल खुलवाया, लेकिन वो भी एंड चुनाव से 1 महीने पहले खुलवाया, इससे पहले सरकार क्या सो रही थी? यानी कि इस तरीके के एलिगेशन भी लगे उनके ऊपर कि अगर आपको चुनाव का फ़ायदा लेना है तो आप ये फीते कटवाने ही शुरू कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देने का जिक्र करना शुरू कर देते हैं, या फिर और जो नौकरियों का एक बड़ा चैलेंज होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, सरकारी नौकरियां हिमाचल प्रदेश हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र, जैसा कि आपने कहा उत्तराखंड के अंदर भी वही स्थिति है, हरियाणा के अंदर भी वही स्थिति है कि सरकारी नौकरी हर किसी के पास हिमाचल प्रदेश के अंदर हर घर में है, और कोई ना कोई अपने घर से जो सरकारी नौकरी में होता ज़रूर है, और वो एक बड़ा मुद्दा होता है कि परिवार से किसी ना किसी को सरकारी नौकरी मिले, और बीजेपी के शासन में, बीजेपी के टेन्योर में जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरियों की भारी कमी रही, वो एक ड्रॉबैक हो गया, और अपने अपने मंत्रालय से अपने अपने विभागों से भी नौकरियां अगर ना निकल पाएं तो फिर जनता तो नाराज होगी, और वही नाराजगी हमने ग्राउंड पर देखी। एक रिवाज बदलने का नारा इस बार दिया गया था जो उत्तराखंड में तो सफल हो गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो पाया? क्या नरेंद्र मोदी का जादू वहाँ पर नहीं चल पाया, या फिर नेताओं को जितना काम करना चाहिए था, जैसे कि आपने भी बताया कई सारे ऐसे विभाग जहाँ पर काम होना चाहिए था वहाँ पर काम नहीं हो पाया, तो क्या आप वजह?
बिल्कुल, क्योंकि अगर नाराजगी है मंत्रियों को, 9 मंत्रियों को नकार दिया अगर जनता ने, तो जाहिर सी बात है कि उस विधानसभा क्षेत्र में, उनके गृह क्षेत्र में जनता ने उनको नहीं चुना है। जनता के बीच में कई लोगों का तो ये तक कहना है कि हम, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो बाशिंदा होता है, वहाँ का जो नुमाइंदा होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर तक पहुँचे नेता। अगर जब तक वो उसको अपने घर के सामने न देख लें, उसकी समस्या के लिए वो बात ना कर ले, तब तक वो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। अच्छा, जब आप वहाँ गए थे, क्या लोगों की ये भी शिकायतें थी कि नेता विधायक आते नहीं है हमारे बीच में, चुनाव के वक्त आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, तो वो भी नाराज़गी? बिल्कुल, ये यही मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में अगर आप जाएंगे, केवल आउटर हिमाचल को आप देखें तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो बहुत सुविधाओं की बड़ी कमी वहाँ पर है। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं का आपने जिक्र किया, वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए कि कई पगडंडियों से होकर उनको गुजरना पड़ता है, अगर किसी की डिलीवरी है तो कैसे वो पहुँचे, तो कई ऐसे रास्ते भी थे वहाँ पर। हालांकि काम बहुत किया है गवर्नमेंट ने, हज़ारों करोड़ों बजट सेंक्शन किया कि जो सड़कें हैं उसका निर्माण वहाँ पर करवाया जाए, और मुख्यमंत्री कोष से भी सड़कों का निर्माण करवाया भी गया, करोड़ों का बजट सेंक्शन हुआ, जिसका एडवर्टीजमेंट में खूब लाभ लेने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए मंत्री साहब दिखते नहीं, हमें तो विधायक दिखे नहीं, हमें तो कभी मिले नहीं, इस तरीके का जिक्र वहाँ के लोग किया करते थे। और फिर इसलिए हम, जब तक वो हमारे पास आएंगे नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, इस तरीके के जब उनसे बात करते थे तो लोग यही कहते थे। तो कई ऐसे मंत्री रहे, कई ऐसे विधायक रहे जिनकी लोगों की नाराज़गी उनसे इसी बात को लेकर थी कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे पंचायत में, हमारी पंचायत में, आप सोचिए वहाँ पर उनकी पंचायत में अगर कोई विधायक नहीं आ रहा है तो वहाँ की पंचायत का जो नुमाइंदा होगा वो उनसे नाराज हो। तो क्या इससे संदेश गया कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव नहीं जीता जाएगा, आपको काम भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, जनता के बीच में आप नहीं जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं कि भाई आपको लोगों के बीच जाना होगा, समस्याओं को सुनना होगा, जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है उन लोगों की समस्याओं को आपको समय समय पर जाकर दूर करना होगा, अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करानी होगी। लेकिन पहाड़ी राज्य है तो उतना मुझे लगता नहीं फोकस हो पाता है, तो वजह ये भी रही एक तरह से, आप मानते हैं कि काम करना पड़ेगा, हमेशा केंद्रीय नेतृत्व तो चुनाव नहीं जिताएगा आपको? वन मैन शो नहीं हमेशा हो सकता है, बात जो आप कह रहे हैं, और वाकई में ऐसी स्थिति है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बार आपको वोट दे दिया, दूसरी बार आपको वोट नहीं मिलेगा। और वही हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, एक बार आपने 2014 के बाद 2017 में लहर चल रही थी, उस वक्त आपको एक बार फिर से मौका मिल गया, एंटी इनकम्बेंसी भी थी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, तो एक बार आपको मौका मिल गया। लेकिन यहाँ इतने बड़े मार्जिन से इतनी सीटों के साथ गुजरात आप फतेह कर जाते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश फतेह नहीं करते, तो उसका कारण मूलतः वही है कि ग्राउंड लेवल पर आपके नेताओं ने, आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों ने काम नहीं किया। और ये भी एक वजह आप मान के चलिए शंकर, कि एंड वक्त पर उनको मंत्रालय से हटाया गया और एंड वक्त पर उनकी टिकट भी जो है बदल दी गई, उनका जो विधानसभा का क्षेत्र था उसको भी चेंज कर दिया गया, ये भी स्थिति बनी हुई थी। हालांकि जब टिकट का वितरण होता है तो उसमें कई और चैलेंजेस होते हैं आलाकमान के पास, और बड़ी मुश्किलें कैंडिडेट्स के लिए भी होती हैं, फतेहपुर से राकेश पठानिया के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करनी, इसका मतलब इसको अगर ऐसे भी देखें तो आप, क्योंकि फतेहपुर में वो हारे हैं, हालांकि मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन नूरपुर में वो अच्छे मार्जिन के साथ जीत सकते थे, और वहाँ पर वो कैंडिडेट जीत गया जो बरसों से हालांकि टिकट के लिए कोशिशें कर रहा था लेकिन उसका जनाधार बहुत है नहीं, तो ये भी एक स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो इसको चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि 2012 का जाते जाते मैं जिक्र कर दूं, 10 में से 4 मंत्री हारे थे, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया, 9 मंत्री हारे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी नाराज़गी जनता के बीच में थी, अगर वो जाते, काम करते, जनता की समस्याओं को दूर करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि बीजेपी ने इस बार ये नारा दिया था कि रिवाज बदलेगा, जो उत्तराखंड में रिवाज बदला वही उत्तराखंड में होगा, और सबने यही उम्मीद लगाई थी। कई राजनीतिक पंडितों से जब हमने भी सवाल पूछा तो उनका भी यही मानना था कि हो सकता है उत्तराखंड में भी इस बार रिवाज बदला तो हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी, कांग्रेस पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया, बहुमत दिया। अब देखना होगा सरकार कब बनेगी, क्या कवायद होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जनता ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पार्टी की, आलाकमान की, कि हिमाचल प्रदेश में जो काम पिछले 5 सालों में नहीं हुए, जो आरोप वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते रहे थे, अब जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके मुद्दों पर बात हो और जनता के काम। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी हेमंत को दीजिए इजाजत, आज के लिए जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी, नमस्कार।